म्यूजिक ऑन करोगे ना आप? हाँ, हरमन गार्डन का स्पीकर भाई। उसके बाद में बताता हूँ आपको, सुनो। हाँ, जब गाड़ी स्पीड लेगी ना, जब गाड़ी स्पीड लेगी, हाँ, उसके बाद म्यूजिक अपने आप रेज हो जाता है, साउंड क्वालिटीज का ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसलेशन। तो यहाँ पे आना कैसा हुआ, कहाँ के हो? नहीं, मैं सांगली से हूँ, कोल्हापुर सांगली। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ये क्या है भाई, इसी चक्कर बताओ। अभी नंबर प्लेट का नंबर प्लेट नहीं आएगा मेरा, नंबर प्लेट एम एच का आएगा, बी एच आएगा। BH मतलब भारत पासिंग एक नया आया। अच्छा अच्छा नया INDI के बाद में जो कॉर्नर में रहते हैं भारत पासिंग, उसमें कितने पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, उसमें रोड टैक्स नहीं होता। हाँ, हर 2 साल बाद गाड़ी पासिंग करनी होती है, जहाँ भी आप जॉब करते हो। हाँ, वहाँ जाके फिर उसी RTO में गाड़ी रजिस्टर करनी पड़ती है। नंबर प्लेट व्हाइट ही रहे, वो तो 15,000 पता चल रहा है, लेकिन स्पीड का क्या, ट्रिपल डिजिट घुमा रहे हो कभी? 100 के ऊपर गए हो? हाँ, गया था 130। कुछ लगा ऐसा महसूस हुआ कि भाई झटका दे रही है, वाइब्रेट फील हो रहा? कभी नहीं। और उसके साथ आपको ऐसा लगता है कि ये भाई ये कुछ मिसिंग नहीं छोड़ा है टाटा ने, इसको डाल के ये 7 एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों चलते हैं गाड़ी में। हाँ, जैसे आप लोग जानते हो माइक्रो एसयूवी का जो है वो ट्रेंड इतना बढ़ रहा है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लोग चलते हैं और काफ़ी ऊंची गाड़ियाँ प्रेफर कर रहे हैं, जो लोग ऊंची गाड़ियाँ प्रेफर कर रहे हैं। तो लोगों का सपना रहता है फॉर्चूनर तो गाड़ियाँ उठाना, लेकिन कमजोरी बन जाती है, पैसों के हिसाब से कहीं ना कहीं जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जो है वो कंपनियां इतनी होशियार हो चुकी है, क्लेवर हो चुकी है, उन्होंने जान लिया है मार्केट का स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे एक जीता जागता सैंपल है टाटा पंच 1.2 लीटर जो है वो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, वो अराउंड है 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क और अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। इससे भारी भरकम भाई फील नहीं होती। अभी जो मैं करवा देता हूँ, काफ़ी टैंक, देश का लोहा बोलते हैं, टाटा का लोगो आप देख सकते हो। और जो जिन भाई की ये साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में अगर मैं दिखा दूँ तो इस तरह से कुछ गाड़ी है, और डस्ट पार्टिकल बहुत है यार, क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग टेरेन जैसी ही लगती है आगे पीछे का। इस तरह से कुछ माहौल अगर आप देखते हो तो कुछ मतलब मस्त सी लगते हैं यहाँ पे, अगर पीछे अगर बता दूँ या फिर आगे बता दूँ। और जो भाई साहब जो अर्न करते हैं गाड़ी 2023 में ये टाटा पंच, उनसे खैर मिला देता हूँ, क्योंकि ये वेटिंग नहीं किया जाता यार मेरे से, क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर गाड़ी कंसीडर करना, वो भी माइक्रो एसी में। सबसे पहले भाई स्वागत है अपने चैनल में। नाम क्या, नाम है आप? अनिल काले। अनिल काले, क्या करते हो, बिजनेस क्या है? जॉब, क्या जॉब करते हो? फार्मा कंपनी में। अच्छा, क्या राय रही थी टाटा पंच? अभी अच्छा खासा चल रहा है जॉब का, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम लाइफ मस्त सस्त एकदम। तो यहाँ पे आना कैसा हुआ, कहाँ के हो? नहीं, मैं सांगली से हूँ, कोल्हापुर सांगली। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ये क्या है भाई, इसी चक्कर बताओ। अभी नंबर प्लेट लगा नहीं क्या? नंबर BH नंबर प्लेट है ना। अच्छा, सबसे पहले टाटा पंच को लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कब ली थी भाई साहब गाड़ी? ये मार्च में। कौन से मार्च में? ये इतने बस महीने हो चुके, कितनी चला दी? 15,000 किलोमीटर हो गए। 15,000 किलोमीटर हो गए, क्या रहा है आपकी, मतलब 15,000 किलोमीटर के बाद आपको ऐसा लगा है कि भाई टाटा लेकर मैंने अच्छा कर दिया कि गलती कर दी? मैं पहले सोच रहा था i20 लेने का। Hyundai? हाँ, Hyundai i20। Elite की अभी नहीं आई हुई? स्पोर्ट में आई है। आपको बात एक पता है, एक स्पोर्ट्स में i20 में वो दो वेरियंट आते हैं अभी, N में i20 N स्पोर्ट्स अभी, और वो प्रीमियम वाली आती है i20, लेकिन 10 लाख तक चली जाती है। और एक 10 लाख की कीमत एक हैचबैक के लिए देना मतलब गलत लगता है मुझे। देखा वो अंदर बैठ के फील किया, वो फील नहीं आ रहा था। स्टीयरिंग पकड़ने के बाद वो फील आता है ना गाड़ी का, वो फील नहीं आ रहा था। i20 देख ली, रेनॉल्ट की किगर देख ली, वो फील नहीं आ रहा था, वो फील उतना नहीं आ रहा था। लेकिन स्मूथनेस काफी है Hyundai में, ये तो बात बहुत है। इनमें इतना स्मूथनेस नहीं आता, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भाई सब कहीं ना कहीं मैटर करती है मुझे तो पर्सनली। गाड़ी नहीं, घोड़ा है ये, क्योंकि ये टाटा का घोड़ा है। बिल्ड क्वालिटी भाई कुदा लो जिधर उधर चाहे, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, टाटा का पत्रा है। अभी एक बात बताओ, वैसे बैठो भाई सब, जिस जो पैसे आपने 8 लाख रुपए 74,000 रुपए इसमें स्पेंड किया, वो दिखने तो चाहिए भाई। अंदर वंदर तो बैठ चुका, बैठ जाओ, कैसे दिखते हो तो। अरे हाँ यार, मैं चाबी भूल गया, अभी अनलॉक कर देता हूँ मैं ये। एक कोई आवाज़ नहीं आता अनलॉक करने का, ये आपने नोटिस किया होगा। लॉक करने के बाद एक बीप आती है, और ये हम अपने मैंने खुले हुए। अभी एक सबसे पहले एक तगड़ी बात बता, यहाँ पे अंदर बैठने के बाद आपको एक ऐसा घुटन सी महसूस होती है कि एरी एरी सी फीलिंग आती है कि मस्त है, एकदम चिल्ड आउट है। AC चिल्ड आउट कर देता है? हाँ, बहुत बहुत चिल्ड आउट। और एक खास बात बताऊँ? हाँ, जब म्यूजिक आप ऑन करोगे, म्यूजिक ऑन करोगे ना आप, हाँ, हरमन गार्डन का स्पीकर भाई। उसके बाद में बताता हूँ आपको, सुनो। हाँ, जब गाड़ी स्पीड लेगी ना, जब गाड़ी स्पीड लेगी, हाँ, उसके बाद म्यूजिक अपने आप रेज हो जाता है,
साउंड क्वालिटीज का ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन मतलब वो आपको सेटिंग नहीं करवानी पड़े ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, और 1.2 लीटर का अगर खैर बात हो नेचुरल एस्पिरेटेड का, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छी चीज होती है भले के लिए तो बुरी भी होती है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इंजन की ताकत उतनी मैटर करती है, उतनी नहीं पड़ती। पिकअप मिलता है टाटा का इंजन है, मैं आपको बताता हूँ इंजन में। नहीं, वो बात नहीं है, i20 का अगर बात करते तो ऐसे पंजा दबाने पर छूटती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिले कर देती है, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या होता है ना, टाटा का इंजन है ना, 1.2 लीटर का इंजन पेट्रोल इंजन कंपेयर टू 1.5 लीटर अदर्स कंपनी का इंजन। हाँ, कागज पे आता है 1.2 का, लेकिन गाड़ी तुम चलाओगे ना भाई तो लगेगा कि 1.2 का नहीं है, 1.2 का नहीं है। और फील है भाई, फील मतलब उतरते हो बाहर आते हो एक एसयूवी को पैसे 8 लाख रुपए देना मुझे वर्थ इट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बंदे इसमें बिठाते हो ये वाली मैकेनिज्म अच्छी लगी भाई साहब आपको। ये कोई जो है वो एक्सपेक्ट करता है ग्रैब हैंडल हो, लेकिन ये कोई भी कभी चुपता है, कभी कभी ऑन होता ही नहीं, हाथ अटकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? इस गाड़ी के बाद टाटा का फ्यूचर ही चेंज हो गया। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और अपने हिसाब से सेगमेंट में काफी की है, 5-7 तक बंदा बैठ सकता है। अगर बात करते हो बिल्ड क्वालिटी की तो नेक्सॉन और इसमें क्या फर्क लगता है आपको? थोड़ा बहुत मैंने कभी बैठा नहीं, उसमें बैठा नहीं है, लेकिन आपको ऊंचाई की अगर बात आती है मतलब जहाँ तक कि आप बैठते हो फील आता है कि आप छोटे गाड़ी में बैठे हो बड़े गाड़ी में बैठे हो, दिखता भी है और टेरेन की काफी फील होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, और जो काफी अच्छी तरह से आप अपने मतलब हार्डकोर ऑफर नहीं। ये क्या चक्कर है भाई, रस्टिंग वस्टिंग बढ़ गया कि क्या हो गया ये? नहीं, कीचड़ है इधर, सब कुछ कीचड़ है। अच्छा, ये कीचड़ तो है यार, मतलब मुझे लगा रस्टिंग वस्टिंग हो गया है, नई गाड़ी को रस्टिंग। नंबर का क्या चक्कर है, कब आने वाला है? बीएच नंबर है, नंबर आ गया मेरा। हां, लगाना होगा, फिर रिबिट लगाना होगा। क्या आईएनडी की ली ना गाड़ी, गोवा में लगाना होगा। अच्छा, गोवा मतलब वो क्या करना पड़ता है महाराष्ट्र में वहाँ रहने के लिए, वाईएनओसी वगैरह ट्रांसफर वगैरह करना पड़ता है? वर्किंग सर्टिफिकेट लगता है उसके लिए, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल लगा सकते हो, जा सकते हो। ऑफलाइन होता है वो, अगर आप मान लो गोवा का लगा तो इधर घुमाते हो इधर रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन मेरा गोवा का नंबर प्लेट नहीं आएगा, मेरा नंबर प्लेट एमएच का आएगा, बीएच आएगा। बीएच मतलब भारत पासिंग एक नया आया। अच्छा अच्छा, नया आईएनडी के बाद में जो कॉर्नर में रहता है भारत पासिंग, उसमें कितने पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, उसमें रोड टैक्स नहीं होता। हाँ, हर 2 साल बाद गाड़ी पासिंग करनी होती है, जहाँ भी आप जॉब करते हो। हाँ, वहाँ जाके फिर उसी आरटीओ में गाड़ी रजिस्टर करनी पड़ती है। नंबर प्लेट व्हाइट ही रहती है ना, येलो नहीं रहती। हाँ, तो क्या क्या करना पड़ता है आपने बोला? हर 2 साल बाद पासिंग करना पड़ता है उसका पासिंग भरना पड़ता है। कितना पासिंग, कितने में होता है? 7,000 रिन्यूअल के लिए, 7,000 भाई। एक बार ही करवा दो, एक बार ट्रांसफर गोवा में कर भी सकते हो अपनी जान वान पहचान के गडकरी साहब से हो तो एक बार ही करो। ये झंझट में मत पड़ो यार, फिर से करना है यार, जाना ऑनलाइन भी होता है क्या प्रोसेस? नहीं, उसका जाना ही पड़ता है आरटीओ के पास। ये तो 360 कैमरा का चक्कर क्या, ठीक ठाक क्वालिटी? 360 नॉर्मल कैमरा है, एचडी कैमरा क्या, एचडी नॉर्मल है, ठीक है क्वालिटी लगती है उस हिसाब से। मोबाइल चार्जिंग हो जाता है। और बात रही पीछे बैठने की भाई साहब, तो क्या क्या लगता है कि फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है कि नहीं? नहीं, आगे तो मैं सिंगल हूं ना। हां, आखिर के हिसाब से लेते हैं। हां, मतलब आप अगर आपके फिजिक वाले अगर 5 बंदे बैठते हैं इधर, हां बैठ जाते हैं, तो 5 लोगों का प्रैक्टिकल व्हीकल है। हां, कल ही बैठे थे 5 जन। हां, 5 और बीच वाला अगर 2 हट्टे कट्टे अगल बगल में और बीच वाला अगर छोटा हो तो उसमें मेरे को एक मेरे हिसाब से मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन से क्या है पता है, अगर ये बोल दो तो एक माइक्रो एसयूवी शेप में चला जाता है, शेप में ये वाली गाड़ी। हाँ, एक नया ट्रेंड आया जो टाटा जो है ह्यूंडई की एक्स्टर और टाटा पंच को सीधे अराइवल उन्होंने कॉम्पीट करने के लिए गाड़ी डाल दी। मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये गाड़ियाँ जो है वो 4 बंदों के प्रैक्टिकल हिसाब से बनी है, एक्चुअली 5 लोगों के लिए नहीं है, लेकिन 5वां बंदा बिठा भी सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन कम्फर्टेबल की यहाँ तक कि कम्फर्ट की बात आती है तो 4 बंदे आराम के साथ प्रैक्टिकल बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या तक खींच रखी है गाड़ी? 15,000 वो तो 15,000 पता चल रहा है, लेकिन स्पीड का क्या, ट्रिपल डिजिट घुमा रहे हो कभी? 100 के ऊपर गए हो? हाँ, गया था 130। कुछ लगा ऐसा महसूस हुआ कि भाई झटका दे रही है, वाइब्रेट फील हुआ? कभी नहीं। और उसके साथ आपको ऐसा लगता है कि ये भाई ये कुछ मिसिंग नहीं छोड़ा है टाटा ने इसको डाल के? ये 7 एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों चलते हैं गाड़ी में। हाँ, दोनों में। हाँ? दोनों। और हरमन कार्डन का जहाँ तक जो क्वालिटी की बात है, आपको लगता है कहीं बदलना होगा या फिर चेंज करवाना होगा स्पीकर? कहीं भी नहीं लगता, वैल्यू फॉर मनी। और ये वाला खास इंजन बता दूं, 1.2 लीटर जो है वो अराउंड ये वाला पर्टिकुलर इंजन 86 bhp और 115 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ लेता है, और भी 115 न्यूटन टॉर्क और जो है वो मीटर का,
और 86 bhp मतलब अगर बात करते हैं डिज़ायर की तो उससे 82 bhp है, मतलब लमसम टाटा की गाड़ी लेके ऐसा नहीं कहीं लगता कि थोड़ा बहुत उधर ही चक्कर काट रहे हो आप। मैं क्या सोच रहा हूँ, इतने घोड़े बस है आपके लिए? अरे बहुत बहुत अच्छी है गाड़ी, बहुत आपके लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक कि पावर की बात, मतलब अगर एक बात बताओ, आपको गाड़ी रोकते हो गाड़ी यहाँ पे और इजी मतलब जो जो उसको हार्श ड्राइविंग करते हो, मतलब जो ट्रिपल डिजिट स्पीड करते हो इंस्टेंटली, जो एक्सलेट करते हो तो इमीडिएट जो सर्टन पिकअप लेती है गाड़ियाँ, उसमें आपको जो लैग वगैरह फील हुआ कि ऑटोमेटिक सटकती है गाड़ी? मेरे घर में एक स्कॉर्पियो है, मैं स्कॉर्पियो लेने स्कॉर्पियो का स्कॉर्पियो चलाना छोड़ दिया। छोड़ दिया? छोड़ दिया। कौन सी, पुरानी वाली की क्लासिक? नई वाली? नहीं नहीं पुरानी वाली। हाँ 2014 का मॉडल। और ये बात बताओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आपको, गाड़ी अभी आपने मान लो यहाँ पर रोकी है, एक तो टाटा का भारी पत्रा है एक तो, उसके बाद इंजन को वो उठाना भी है क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन इतने भारी पत्रा को अगर कंपेयर करते हो एक्सटर से या फिर डिजायर से कंपेयर करते हो या फिर स्विफ्ट से कंपेयर करते हो, इसके बाद ये तो माइक्रो एसयूवी थोड़ी उठाई हुई है इसलिए लग रही है, उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी है। उठा सकते हैं? नहीं नहीं काफ़ी भारी है बिल्ड क्वालिटी, तो कहीं ना कहीं इंजन को थोड़ा लोड पड़ता ही है इसके हिसाब से। आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी डिले कर रही है पावर देने में, कि आपको संतुष्ट हो आप 113 bhp में? मिनट के अंदर ना गाड़ी 100 तक देती है। तीसरे गियर में गाड़ी ना, दूसरा गियर डाल देते 100 तक जाती है। हाँ तो भाई 2023 में जो है वो टाटा पंच जैसी जो है वो इतनी फेमस गाड़ी जो लॉन्च होने के बाद दौड़ती चली गई, बोलते हैं ना 6 महीने के बाद वेटिंग, लॉन्ग वेटिंग पीरियड के बाद 22,000-23,000 यूनिट सेल हुए और अभी तक सेल हो रहे हैं। अनिल काले जी जो है वो 2023 में टाटा पंच 1.2 लीटर जो है यूज़ करते हैं, इसका जो है वो क्रिएटिव जो है वो क्रिएटिविटी यानी कि टॉप एंड वेरिएंट, अभी तो उसने जब लिया था तो टॉप एंड ही था, उसके बाद एक वेरिएंट आया सनरूफ वाला भी DT क्रिएटिव वो ऑन करते हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अनिल जी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।